मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट की घटना के शातिर बदमाश को लूट के टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी हरमन सिंह ने आज लूट का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि 10 मई को सन्नी कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने आकर तहरीर दी थी कि उसने अपना टेम्पो किराए पर दिनेश चंद्र को चलाने के लिए दिया था। 9 मई की सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस टेम्पो को चोरी कर लिया गया। रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास टेम्पो चालक से वह अज्ञात व्यक्ति चालक के साथ मारपीट कर टेम्पो को छीनकर भाग गया। इसका खुलासा पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से चेक किया और 11 मई को पप्पू आर्य पुत्र चंदन आर्य निवासी मेहरा गांव थाना भवालीहाल निवासी नारायण नगर को गिरफ्तार कर लूट का बड़ा खुलासा किया है। मामले की जानकारी एसपी सिटी हरबन सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखारी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या जो मेहरा गांव का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया है। रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास से और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। कई सारी चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और अभी लगभग एक हफ्ता पहले ही जेल से छूट के बाहर आया है।